दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज का हमारा टॉपिक है, क्या हमें मूव ऑन कर जाना चाहिए, क्या हमें हमारे पर्सन से मूव ऑन करना चाहिए या हमें वेट करना चाहिए। तो चलिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, थोड़ा सा आंखें बंद कर लीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इसको। आप चाहे तो यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। आपके पास है दो ऑप्शंस, तो ये दो ऑप्शंस में से आप कोई भी एक चूज़ कीजिए। आप सिल्वर भी चूज़ कर सकते हैं और आप ब्लू भी चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, तब तक मैं ब्लू के साथ सॉरी सिल्वर के साथ शुरुआत करूँगी। ओके, जैसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब आपने अपने पर्सन को कुछ ऑफ़र किया था, तो उन्होंने आपने शायद अपने पर्सन को मैरिज ऑफ़र किया था और उन्होंने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया था इस चीज़ में, वो ज़रा से भी इंटरेस्टेड नहीं थे। फिर आप जो है फुल नाइट जागने लग गए, आप अपसेट हो गए, आप डिप्रेस्ड हो गए, आपको फियर आ गया, क्योंकि आप जो है आप उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बहुत ज़्यादा मतलब आपकी दोस्ती थी बचपन से या ऐसा कुछ, आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स थे, शायद चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी थे, क्लोज फ्रेंड्स भी थे, आपके साथ बहुत अच्छे टाइम्स थे आप लोगों ने जो स्पेंड किए थे, और जो है आपको उनके को प्रोवाइड करना था। ये बेसिकली मुझे लग रहा है पाइल सिल्वर लड़कों का है, और आपको जो है आपने उनको आपको उनके लिए प्रोवाइड करना था, आपको उनसे शादी करनी थी, आपने ड्रीम देखा था, आपने इमेजिन किया था, और उन्होंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दिया। दो आप काफ़ी रिच थे या गुड लुकिंग रिच थे गुड लुकिंग थे या फाइनेंशियली स्टेबल थे, आपके पास एक जॉब था, पर तभी भी उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया। पर आपको पेशेंस रखना है दोस्तों, क्योंकि आपके पर्सन जो है अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो जो है आप उनके लिए हो। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, आप अपने अंदर जाइए, क्योंकि आपके पर्सन जो है आपके पास ऑफ़र लेके आ रहे हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, लेकिन इस बार वो खुद आपके पास ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। ओके, तो वो बहुत प्राउड फील करते थे आपको, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आपको फ्रेंड जोन कर दिया था। दे वर प्राउड टू हैव यू एज अ फ्रेंड, वो आपको फ्रेंड की तरह देखते थे, पर आप जो है आपका जो इंटेंशन था उनको प्रोवाइड करने का, और वो उस समय बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, और ये उनको थोड़ा सा ट्रिगर करके आपका जो है प्रपोजल मैरिज का, इसीलिए वो आपसे थोड़ा सा दूर हो गए। लेकिन आप पेशेंटली अगर वेट करेंगे तो वो पर्सन आपके पास वापस आएंगे। तो यही था दोस्तों, जिन्होंने भी सिल्वर को चूज़ किया है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी ब्लू को चूज़ किया है, क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए अपने पर्सन के लिए? ओके, तो जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि आपके पर्सन जो है बहुत मेंटली ट्रैप्ड है, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने ब्लॉकेजेस बना के रखे हुए हैं, और वो ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं लीगल मैटर्स से भी रिलेट करते हैं। शायद वो किसी कोर्ट केस में फंसे हो, शायद प्रॉपर्टी केस में फंसे हो, कोई तो प्रॉब्लम है उनको, और वो जो है बहुत स्टबन काइंड ऑफ पर्सन है। वो आपसे प्यार तो करते हैं, वो आपके लिए किंग ऑफ कप्स है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उनका जो है आपकी तरफ एक फील कर रहे थे सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, क्योंकि ये जो आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स के बिलो आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं। वो आपके साथ फाइनेंशियली अबंडेंट होने के ड्रीम्स देखते थे, लेकिन आप जो है उनसे कहीं ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, ऐसा मुझे लगता है यहाँ पर इस स्टोरी में। पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपकी जो है न्यू बिगिनिंग होने वाली है, न्यू ट्रूथफुल बिगिनिंग होने वाली है। उनको एक्चुअली में मैटर नहीं करता दोस्तों आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वो आपसे प्यार करते हैं और वो काफ़ी अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल समझते हैं, वो अपने साथ आपका ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, और आप जो है अभी उम्मीद करते हैं कि आप जो है ये चीज़ें न्यू लाइट में देखोगे, आप जो है ये जो सिचुएशन से बाहर आओगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से बाहर
आ रहे हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपके पर्सन जो है कोर्ट केस में स्टक हो सकते हैं और मेंटली स्टक हो सकते हैं, वो अपने आप को वर्दी नहीं समझते आपके जो देख रहे हैं ये, इसीलिए आप वो आपको न्यू लाइट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप जो है काफ़ी रिच हो सकते हो और आपको कोई मैटर नहीं करता उनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वो बहुत स्ट्रांग माइंडेड है और बहुत डिटर्मिंड काइंड ऑफ अ पर्सन है, पर वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं। तो जिन्होंने भी ये ब्लू पाइल को चूज़ किया है, मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनको शांति चाहिए, उनको खुशी चाहिए, तो वो आपके साथ एक फाइनेंशियल और हैप्पी अबंडेंट लाइफ जीने के लिए आ रहे हैं। तो उनको आप अगर चाहते हो तो आप उनके लिए वेट कर सकते हो। चलिए देखते हैं ये कितना टाइम लगने वाला है, इसको अप्रॉक्स कितना टाइम हम वेट कर सकते हैं इस पर्सन के लिए। दोस्तों अभी भी आपके पर्सन के दिमाग में फाइट चल रही है हार्ट और माइंड में पैसों को लेकर के, और वो अभी भी अपने प्लान्स बना रहे हैं फाइनेंशियल। उनको जो है उनका फ्यूचर अननोन लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में आपको उनके लिए लॉन्ग वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि उनको ज़्यादा मतलब आपके साथ का फ्यूचर ब्राइट नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप उनके लिए वेट करना चाहते हो तो 18 मंथ्स तक आपको उनके लिए वेट करना पड़ सकता है अप्रॉक्सीमेटली। पता नहीं कौन कौन से सिचुएशन में है यहाँ पर, सो सब लोग अलग अलग सिचुएशन में हो सकते हैं। किसी के पर्सन रियलाइज़ कर सकते हैं कि भाई उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, कोई प्लानिंग के वो न्यू लाइट में देख सकते हैं, कोई जो है अभी अभी इस रियलाइजेशन में आए हैं या अभी अभी किसी प्रॉब्लम में फंसे, तो उनको 18 मंथ्स, किसी को 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, आपके डिपेंडिंग आपके स्टेज के ऊपर डिपेंडेंट है ये। तो हम तभी भी अगर आप वेट करना चाहते हो तो 18 मंथ्स से ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसा मुझे फील होता है यहाँ पर। तो और मुझे ऐसा भी लगता है आपको अपने ड्रीम्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपके ड्रीम्स आपको कुछ मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो यही था ब्लू के लिए दोस्तों, जिन्होंने भी ब्लू स्टार को चूज़ किया है, कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन। तो प्लीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर आपको ये पसंद आया हो रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल, कमेंट कीजिए। हम अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये जो सिचुएशन है ब्लू पाइल का, ये ट्विन फ्लेम का सिचुएशन लग रहा है मुझे यहाँ पर। तो हम एक कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पे हम लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ आगे नॉलेज शेयर करके आगे बढ़ेंगे। एक फैमिली बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर डिविनीफाई मी में, एक ट्विन फ्लेम्स की फैमिली जहाँ पे हम हमारा नॉलेज शेयर कर सके और साथ आगे बढ़ सके। तो अगर आपको पसंद आया हो आज की रीडिंग तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।